दोस्तों इतिहास में ऐसी कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। वैसे आम तौर पर लोगों को अच्छे कामों की वजह से लोकप्रियता मिलती ही है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने वशीपन की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती थी। कम उम्र में ही वो विधवा हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो उसका चेहरा सामने आया उसे शायद ही कोई भुला पाए। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दरअसल हम जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम निकोलायोना सालितकोवा था। 1730 में जन्मी सालितकोवा रूस के एक अमीर परिवार की बहू थी। उसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे, किसी कारणवश उसके पति की वर्ष 1755 में मौत हो गई। उस समय सालितकोवा की उम्र महज 25 साल थी। पति की मौत के बाद उसे विरासत के रूप में एक बड़ी संपत्ति और 600 से ज़्यादा नौकर मिले, जिसके साथ वह ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लगी। दोस्तों कहते हैं कि बेशुमार संपत्ति के साथ सालितकोवा उस समय मॉस्को की सबसे अमीर विधवा बन गई थी। पति की मौत से पहले वह काफ़ी धार्मिक और दयालु किस्म की महिला मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आया जिसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और इस बदलाव के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग माना जाता है। दरअसल पति की मौत के बाद सालितकोवा काफ़ी अकेला महसूस करने लगी थी। इसी बीच एक शख्स से उसकी जान पहचान हुई और बाद में दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन एक दिन सालितकोवा को पता चला कि उसके प्रेमी किसी और महिला से भी संबंध है, जिससे वह चुपके चुपके शादी भी कर चुका है। इस खबर से सालितकोवा को गहरा धक्का लगा और उसने गुस्से में अपने प्रेमी को इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। हालांकि किसी तरह उसकी जान बच गई। यह सालितकोवा की बर्बरता की शुरुआत थी। इसके बाद वह अपना गुस्सा अपनी महिला सेविकाओं पर निकालने लगी। सालितकोवा की बर्बरता इतनी बढ़ गई कि वह बच्चियों और गर्भवती महिलाओं के साथ भी दरिंदगी दिखाने लगी। वह पीट पीट कर उनकी हड्डियाँ तोड़ देती या उनके शरीर पर खौलता हुआ पानी डाल देती। इससे ही मन नहीं भरता तो वह पीट पीट कर उनकी हत्या ही कर देती। कहते हैं कि ऐसा करके उसने 100 से भी ज़्यादा लोगों की हत्याएं की। अब चूंकि सालितकोवा एक अमीर महिला थी, इसलिए उनकी पहुंच शाही दरबार के ताकतवर सदस्यों तक भी थी। लिहाजा जब भी कोई बर्बरता की शिकायत करता तो महल में उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता। लेकिन जब काफ़ी संख्या में पीड़ित के परिवारों ने हंगामा मचाया तो बात रूस की रानी कैथरीन द्वितीय तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने जाँच के आदेश दिए। दोस्तों जाँच की गई, इस बात को बिल्कुल सच पाया गया। सालितकोवा को 1762 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 38 सेविकाओं की हत्या का दोषी पाया गया। हालांकि जांच में 138 संदिग्ध मौतों की भी पुष्टि हुई, लेकिन सबके सबूत नहीं मिल पाए थे। अब चूंकि रूस में उस समय मौत की सजा का प्रावधान नहीं था, इसलिए सालितकोवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा गया था। उस कमरे में खिड़की तक नहीं थी। करीब 11 साल तक उस कमरे में कैद रही, जिसके बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ 27 दिसंबर 1801 को 71 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि एक इंसान कितना क्रूर हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।